बहरोड के नए बस स्टैंड स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर के ऊपर आज 13वां विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने लाइन में कतार में खड़े होकर भगवान के दर्शन भी किए और उनसे मनोती भी मांगी।
मंदिर बनाकर के सौंपा था और कहा था कि भाई ये यहाँ पर मेरी पसंद यहाँ जरूर लेनी चाहिए। और इस तरह से 13 साल से यहाँ पर बहुत ही विशाल भंडारा हर साल होता है और भक्तगण अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और ये मंदिर पूरा सीसीटीवी कैमरे से कोई यहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं हो, किसी तरह की बदतमीजी नहीं हो, सब यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, बाहर भी पांडाल के अंदर भी। यहाँ पर 23 साल की बाबा का 13वां साल भंडारा होने को जा रहा है, जिसे आम जनता के सहयोग से ये भंडारा चलता है और सभी लोग अपना अपना पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं। 13वां भंडारा है और जिसमें अपार शक्ति है, जो इनसे मनोकामना मांगते हैं वो पूरी करते हैं। बाबा आज 13 साल हो गई है इसको और बराबर लगातार चलते रहते हैं। करीब 30 से 35 हज़ार श्रद्धालु यहाँ आते हैं, बाबा के प्रसाद लेते हैं और जो लड्डू का भोग जो लगता है अंदर बाबा के, कम से कम 20 हज़ार आदमी वहाँ से प्रसादी वैसे लेके जाते हैं और 30 से 35 हज़ार आदमी बैठ के प्रसादी लेते हैं। जो अपार शक्ति बाबा की, बोल पंचमुखी महाराज। पंचमुखी हनुमान सेवा समिति द्वारा संचालित 13वां विशाल भंडारा, ये एक बहुत बड़ा विशाल भंडारा है। आम जनता के सहयोग व सेवक समिति के सहयोग से संचालित ये भंडारा है जो आज की तारीख में निर्धारित किया गया है। अधिक से अधिक संख्या में यहाँ माताएं, बहनें और श्रद्धालु लोग उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण करते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। ये भारतीय संस्कृति में धर्म के प्रति आस्था का एक प्रतीक है। जो भी लोग सच्चे भाव से भगवान बजरंगबली का ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, उनको बाबा अपना आशीर्वाद और प्रसाद अवश्य देते हैं। बोल बजरंगबली महाराज की जय। विमल जसु जोदायक पाल चा। ये थी आज की हलचल, देखते रहें राठ 24। नमस्कार।